तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुएश। इस वीडियो में हम यहाँ पे तीन टर्म के बारे में देखने वाले हैं। फर्स्ट हमारा है एनसीसी सॉइल, एंड सेकंड होगा हमारा ओसीसी सॉइल, एंड थर्ड होगा हमारा ओसीआर। फर्स्ट हमारा क्या है? एनसीसी सॉइल। एनसीसी सॉइल का मतलब होता है नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो टर्म है एनसीसी सॉइल, ये हमारा किस पे बेस्ड है? जो पास्ट है, पास्ट में जो भी लोड आए हैं हमारे स्ट्रक्चर पे, उस पे बेस्ड है। ठीक है, तो हमारा नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल मतलब कि इसमें क्या है, नॉर्मली कंसोलिडेट है, मतलब कि जो पास्ट में जो लोड आया है हमारा क्या है, नॉर्मल लोड आया है या फिर कम लोड आया है एज़ कम्पेयर टू प्रेजेंट। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि प्रेजेंट में यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा लोड आ रहा है, क्योंकि ये जो नाम है हमारा किसके पे बेस्ड है, यहाँ पे लो पास्ट के लोड पे बेस्ड है। मतलब कि पास्ट में हमारा कैसा लोड आया है, नॉर्मल लोड आया है, मतलब कि नॉर्मल मतलब लेस आया है या फिर कम आया है। ठीक है, तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल में क्या होता है कि हमारा जो पास्ट में जो लोड रहता है वो कम रहता है एज़ कम्पेयर टू प्रेजेंट। तो इसे यही हमारे हमने यहाँ पे लिखा है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल इन इन विच इफेक्टिव स्ट्रेस इन द प्रेजेंट इज़ हायर देन द इफेक्टिव स्ट्रेस इन द पास्ट। यहाँ पे पास्ट में क्या है कि इफेक्टिव स्ट्रेस कम है और प्रेजेंट में ज़्यादा है। एनसीसी से भी हमको दिख गया कि हाँ, ये नॉर्मली लोड आया है। ठीक है, तो जैसा कि अभी प्रेजेंट में लोड ज़्यादा है, तो कंप्रेसिबल भी ये क्या होगा यहाँ पे, पास्ट में तो कोई भी लोड जा नहीं है ना, तो ये जो हमारा सॉइल है वो ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो पाया है, इसका वॉल्यूम में कोई डिक्रीमेंट नहीं आया होगा पास्ट में, क्योंकि कम लोड था। लेकिन प्रेजेंट में तो इसमें लोड आया है, काफ़ी ज़्यादा लोड आ रहा है हमारे जो सॉइल है उस पर। जैसे कि आप मान लीजिए कि पास्ट में क्या है कि एक छोटा सा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट था हमारे सॉइल के ऊपर, लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या है, एक बड़ी सी 4 फ्लोर की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई या फिर 10 फ्लोर की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई। तो हम इस टाइप के सॉइल को क्या बोल देंगे यहाँ पे, एनसीसी टाइप का सॉइल बोल देंगे, जो इसके नीचे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अभी जो है ज़्यादा अमाउंट में लोड प्रेजेंट है, तो हमारा क्या होगा कि ज़्यादा जो सॉइल रहेगा वो कंप्रेस होगा, तो इसीलिए हम बोल देंगे इट इज़ अ मोर कंप्रेसिबल, इट शोज लार्ज सेटलमेंट इन अ प्रेजेंट कंडीशन बिकॉज इन द पास्ट इट वॉज सब्जेक्टेड टू वेरी स्मॉल लोड। ठीक है, प्रेजेंट में ज़्यादा लोड आएगा, प्रेजेंट में ज़्यादा लोड आ रहा है इसलिए ज़्यादा सेटलमेंट भी होगा। सेकंड क्या है वहाँ पे हमारा ओसीसी सॉइल, जिसको हम बोलते हैं ओवर कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल। इसमें क्या बोल रहा है, ये भी पास्ट पे ही बेस्ड है, तो ओवर कंसोलिडेटेड, तो पास्ट में इसका क्या है, पास्ट में क्या है, ज़्यादा लोड आया है, ओवर लोड आ गया है। ठीक है, तो पास्ट में जब ज़्यादा लोड आ गया है तो प्रेजेंट में क्या होगा, यहाँ पर कम लोड आएगा। ठीक है, तो क्या है हमारा जो सॉइल है इसमें पास्ट में ही बहुत ज़्यादा लोड आ गया है। पास्ट में क्या हो गया है कि एक 4 मंजिला का घर यहाँ पे, 10 मंजिल का घर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गया था पास्ट में ही, और अभी प्रेजेंट में इसमें एक छोटा सा घर, एक मिट्टी का छोटा सा घर यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, तो फिर क्या है यहाँ पे, देखिए पास्ट में ही क्या है, बड़ा सा लोड आ चुका है, तो इसमें इसके नीचे का जो सॉइल है वो क्या हो चुका है, कंसोलिडेट हो चुका है, अपना जो स्ट्रेंथ वो गेन कर चुका है, अब कंप्रेस हो चुका है, जितना कंप्रेस होना था वो हो चुका है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस पर लोड आ चुका है। लेकिन तो फिर अभी इस पर कम लोड आएगा तो भी इसका जो कंप्रेशन होने का कोई चांस नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज़ लेस कंप्रेसिबल लिख दिया है, इट शोज़ अ लेस सेटलमेंट इन द प्रेजेंट कंडीशन बिकॉज इन द हिस्ट्री अंडर द हाई स्ट्रेसेस और द प्रेशर इट वॉज वेल सेटल। तो अभी क्या होगा कि ये लेस सेटल होगा, क्योंकि ये पास्ट में ज्यादा लोड के कारण हाईली सेटल ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, और ओसीसी सॉइल इन द सॉइल इन विच द इफेक्टिव स्ट्रेस इन द प्रेजेंट इज लोअर देन द इफेक्टिव स्ट्रेस इन द पास्ट, क्योंकि हमारा जो पास्ट में लोड था वो ज्यादा था, इसीलिए इफेक्टिव स्ट्रेस भी ज्यादा होगा, जो हमारे सॉइल का जो स्ट्रेंथ है, जो उसका शेयरिंग स्ट्रेंथ है, वो भी ज्यादा होगा पास्ट में एज कंपेयर टू प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट में क्या है, यहाँ पे लोड कम है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि एनसीसी जब सॉइल रहता है तो फिर क्या होता है, प्रेजेंट में यहाँ पे ज़्यादा लोड रहता है, एंड ओसीसी सॉइल में प्रेजेंट में यहाँ पे कम लोड रहता है। ठीक है, इसको आपको याद क्या रखना है कि जो नेम है वो हमारा हिस्ट्री के कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया गया है। अब यहाँ पे थर्ड टर्म है ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो। ओवर कंसोलिडेशन रेशियो क्या होता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस इन द पास्ट अपॉन इफेक्टिव स्ट्रेस इन द प्रेशर हम करेंगे तो हमको क्या देगा, यहाँ पे ओवर कंसोलिडेशन रेशियो देगा। ठीक है, कि हमारा जो सॉइल का जो स्ट्रेंथ था पास्ट में कितना था, उसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमारा सॉइल का स्ट्रेंथ है प्रेजेंट से, तो हमको क्या दे देगा, यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस का जो रेशियो है वो हमारा ओवर कंसोलिडेशन रेशियो को देगा। अगर हमारा ओवर कंसोलिडेशन का रेशियो कम है 1 से, तो हमारा क्या होगा, एनसीसी जो रहेगा, एनसीसी टाइप का सॉइल आएगा। क्यों यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि हमारा लेस देन 1 कब होगा, जब ये टर्म हमारा क्या होगा, छोटा होगा, और ये टर्म हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो नीचे वाला टर्म क्या है, प्रेजेंट को शो कर रहा है, और प्रेजेंट में लोड किस में ज़्यादा रहता है, एनसीसी टाइप के ही सॉइल में ज़्यादा होता है ना, तो प्रेजेंट का लोड तो हमारा एनसीसी में ज़्यादा है, पास्ट में कम है, तो फिर
कम से ज़्यादा को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या देगा, लेस देन वन दे रहा है, और वो किस टाइप के सॉइल में है, एनसीसी टाइप के सॉइल में है, तो इसको ऐसे याद करना है। ओसीसी में क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा, कैसे होगा, वन क्या है, पास्ट अपॉन प्रेजेंट, प्रेजेंट में हमारा क्या है, ओसीसी टाइप के सॉइल में हमारा जो लोड है वो क्या है, कम है, और पास्ट में हमारा लोड क्या है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो ये जो वैल्यू देगा ज़्यादा अपॉन कम हमको क्या देता है, अल्टीमेटली ज़्यादा ही देता है, तो ओसीआर हमारा ग्रेटर देन वन होगा, ये किस टाइप के सॉइल में होगा, ओसीसी टाइप के सॉइल में होगा। अगर हमारा ओसीआर बहुत ज़्यादा है, ओसीआर बहुत ज़्यादा है वन से, तो हमारा क्या हो जाएगा, हाईली ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होगा, ठीक है, ग्रेटर देन वन है तो ओसीसी, लेस देन वन है तो एनसीसी, एंड हाईली वेरी वेरी मच ग्रेटर देन वन है तो हमारा क्या हो जाएगा, हाईली ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल हो जाएगा। तो ये जो तीन टर्म थे उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।